नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आई थिंक दो दिन पहले इसने बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया था, विनेश फोगाट जिनको मैं फॉलो करता हूँ ट्विटर पर, उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखी थी, उन्होंने बताया कि हम जंतर मंतर पे हैं। तो जैसे उन्होंने आरोप लगाए, जो मीडिया के माध्यम से मैं पता लगा कि भैया जो आरोप है बहुत संगीन है, उनके तहत जब हमें पता लगा एज ए एथलीट मैं वहाँ गया, उनको सहारा दे के आके भैया हम तुम्हारे साथ हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, एक डेमोक्रेसी का ये फायदा है कि आप सब लोग मिल के अपनी बात रख सकते हैं और जो गलत होता है गलत के साथ अब कहते कि नहीं होने देते कभी किसी के साथ, तो हम उनके साथ अपनी सपोर्ट देने गए थे, मिले उनसे बात करी, जो उनकी भी प्रॉब्लम थी वो बताई उन्होंने। दर्द सर, किस तरीके से आपको लगता है सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सरकार कह रही है क्योंकि कल खेल मंत्री आगे आए, बातचीत का एक दौर चला जी, मैं मानता हूँ जो बातचीत का दौर है ना उसकी लाइव वो होनी चाहिए, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग जैसे होती है ना, जब हम मेडल जीतते हैं तब तो एक यहाँ से फ़ोन होता है, एक वहाँ से फ़ोन होता है, सारी चीज़ रिकॉर्ड होती है राइट, तो उस जो बातचीत होती है दोनों प्लेयर में, इस तरह की जो बातचीत हो जिस स्पोर्ट्स पर्सन की और जिस स्पोर्ट्स मिनिस्टर की या किसी भी इस तरह की, तो उसकी एक लाइव कवरेज होनी चाहिए, लगे हम लोगों की पता लगे क्या बात हो रही है, एटलीस्ट गलत कौन है, तो उसको भी एक लाइव आपके माध्यम से आई थी दिखाना चाहिए लोगों की भैया ये दूध का दूध है, ये पानी का पानी है। तो चुपचाप क्या बात हुई मुझे नहीं मालूम, क्या बात हुई क्या मैं उस पर राय रखूँ, तो हर बात के दो मतलब निकलते हैं, वो आप कोई सा भी निकाल लीजिए इस चीज़ से। अभी आप लोगों की मांग क्या है, आप कांग्रेस के नेता भी हैं, आप लोगों की मांग क्या है? जी मेरी मांग बस यही है कि उन खिलाड़ियों के साथ न्याय हो, जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कहते हैं सख्त कार्रवाई हो, कोई भी इसमें इन्वॉल्व है उसके तहत CBI जांच हो। दैट्स इट। प्रधानमंत्री आपको दोषी क्यों लगते हैं इस पूरे कार्य इस पूरे मामले में, क्योंकि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा प्रधानमंत्री क्यों चूक गए, प्रधानमंत्री पे सवाल क्या है? देखिए प्रधानमंत्री जी का हमने खिलाड़ियों की बात की, खिलाड़ियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, रही बात की इन्वॉल्व कौन है वो तो कहते जांच होगी तब पता लगेगा कौन इन्वॉल्व है इस चीज़ में। क्यों लगता है कि फेडरेशन के से आप स्पोर्ट्स भैया मैं खिलाड़ी का साथ देने आता, फेडरेशन से मुझे नहीं मालूम कि उनके फेडरेशन मैं भी कुछ मैं कभी मिला नहीं उनसे, ना कभी मेरी कहते कि उनसे जान पहचान है कोई, तो लेकिन जो खिलाड़ियों ने उनके बताया जो उन्होंने आरोप लगाया उनके तहत हम उनके साथ गए कि भैया हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, उसके बाद अभी जाँच होगी, जाँच में पता लग जाएगा आपको। आखिरी सवाल आपसे क्योंकि पॉलिसी मैटर का सवाल है कि फेडरेशंस के अंदर पहले जैसे कांग्रेस ने भी कहा कि पहले कोशिश की गई कि फेडरेशंस के अंदर जो कर्ता धर्ता हो जो चेयरमैन हो वो राजनीतिक लोग नहीं होने चाहिए, क्या आपकी इस पर राय है? जी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, मैं तो एग्री हूँ, लेकिन आप BCCI का देख लीजिए कौन है कैसे है, कैसे संविधान चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो बट नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, ये हिंदुस्तान नहीं होगा, लेकिन क्यों, बिकॉज एक अध्यक्ष बनने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, जो खिलाड़ियों के पास नहीं होता। लेकिन खिलाड़ियों आपको लगता है खिलाड़ियों को ही जैसे होना चाहिए ना, होने से तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए पर नहीं होती, क्या करें? पार्टी पहल करेगी कांग्रेस पार्टी पहल जी, हम हाँ जी जी बिल्कुल, मैं तो कहते अभी खिलाड़ी हूँ, कहते खिलाड़ियों ना, आज मैं गया था वहाँ, मैंने किसी मीडिया से बात नहीं की बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि इसको कोई पॉलिटिकल रंग मिले, यहाँ ये बात की आपके सामने बताएगी ये बात है, ये प्रॉब्लम है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।